Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में, इनकी इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिकल कॉलेज के द्वारा कुछ समय पहले मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की रेगुलर बेसिस के लिए वैकेंसी जारी हुई थी, तो वहाँ पर आवेदन सबमिट हो चुके थे। इसके बाद रिटर्न एग्जाम का समय आ चुका है, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एक नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड एवं कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की गई है। अगर आपका वहाँ पर रोल नंबर एवं नाम मेंशन है तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज आपका विज्ञापन क्रमांक है एवं यह इसकी ऑफिशियली वेबसाइट रिलीजिंग डेट है। नोटिस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एन LH, MC एंड SS KH। तो फ्रेंड्स, रिटर्न एग्जाम के लिए ऑफिशियली सूचना जारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, यानी कि आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक करेक्ट आंसर होगा, 3 आपके रॉन्ग आंसर होंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 60 नंबर का। एवं यहाँ पर लिखा हुआ है द लेवल बींग एज पर द सिलेबस ऑफ बैचलर ऑफ मेडिकल लैब साइंस BM LS। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के ऊपर रहेगा, यानी कि आपका जो सिलेबस है वही सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 60 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से 240 के टोटल मार्क्स रहेगा। एंड एक गलत आंसर होने पर आपके एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग आंसर पे एक मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 मार्क। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक गलत होने पर आपको एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड के बारे में, एवं यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है जिन कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जाम के लिए उपस्थित होना है। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर कुछ आपके रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है लिस्ट है। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम कोड, आपका रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एवं उसके फादर का नाम दिया गया है। तो आपको ये देखना है कि यदि आपका रोल नंबर में एवं आपका नाम है तो आपको इस रिटर्न एग्जाम में उपस्थित होना है। इस तरह से यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है। पैंतालीस पेज की ये PDF फाइल है, आप इसे हमारे टेलीग्राम पेज पैथोलॉजी पे तजाए वहां से डाउनलोड कर लें। ये सभी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो कि रेगुलर बेसिस की भर्ती है, काफी अच्छी भर्ती है। यहाँ से देखेंगे कि आपका एग्जाम कब होना है। ये देखिए LHMC मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन 2022 वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर या आपका रोल नंबर या आपका वेन्यू ऑफ एग्जाम, यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा और प्लेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर डिवाइड है, जैसे कि रोल नंबर अगर आपका 0001 से लेकर 0200 तक है, यानी कि 001 से लेकर 0200 तक है, तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा ओल्ड एकेडमिक सेक्शन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यदि आपका रोल नंबर 0201 से लेके
1190 के बीच में है, तो आपका वेन्यू है न्यू एकेडमिक ब्लॉक LHMC। यदि इस बीच में है तो आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यदि इस बीच में है तो आपका कॉलेज बिल्डिंग LHMC। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है वेन्यू का, तो आप अपना देख लें। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो ये है भाई साहब एडमिट कार्ड, LHMC मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन 2022 प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड। उम्मीदवार का नाम यहाँ पर आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, ये आपको आपको ही फिलअप करना है। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कोड नंबर रहेगा, ठीक है। ये लिखा है नीचे विवरण अंतरिक्षक के सामने भरा जाना चाहिए, ये आपका पर्यवेक्षक के सामने भरा जाएगा, ठीक है। ये आपको फिलअप नहीं करना है, तो नीचे यहाँ पर आपको साइन करना है अपने, ठीक है, उम्मीदवार के हस्ताक्षर। इस तरह से आपका ये एडमिट कार्ड है। फ्रेंड्स एक बात और कर लेते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो किस डेट में है। फ्रेंड्स यहाँ पर डेट एंड टाइम मेंशन दिया गया है, यानी कि 23 जुलाई को आपका रिटर्न एग्जाम है, ठीक है। सैटरडे को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, तो आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, ठीक है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि कैसे आपको ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या आपको ले जाना है, इस तरह से। तो ये सारा नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट, आज का नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स तैयारी करते रहें।